हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। सुबह सोमवार है, सावन का पहला सोमवार, तो मैं पूजा करने जा रही थी तो सोचा कि कुछ क्लिप बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगी। यहीं पास में ही है घर के एक मंदिर शंकर भगवान का, तो वहीं जा रही हूँ मैं। मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है मेरा घर है, फिर थोड़ा सा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट तो है नहीं, फिर उसके बाद मंदिर है। और बस जा रही हूँ, बाहर आ गई हूँ मैं, और घर के बाहर का ये वीडियो है क्योंकि मेन रोड है घर पे, बाहर हाईवे है तो अभी बन रहा है दूसरी जगह, और ये मेन रोड है। तो मंदिर में आ चुकी हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में ही है, मेरे घर के पास में ही, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में कुछ अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है कि लोग सोचेंगे कि पूजा करने आई है या वीडियो बनाने, तो इसलिए मैं मोबाइल दे दिया था मैंने दुबे जी को, और उन्हीं वीडियो ये सब बनाया है। और देखा तो लगभग ठीक ही वीडियो सब था, तो मैंने एडिट करके मैंने सोचा इसे अपलोड कर दूं। और मैं शंकर भगवान के अंदर पूजा कर रही थी, दुबे जी बाहर पूजा करके पहले मुझसे आ गए थे, तो वहीं वीडियो बना रहे थे। और बहुत अच्छा मंदिर है ये शंकर भगवान का, और बहुत अच्छा मंदिर। ऊपर शंकर भगवान का सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है, मंदिर है, और नीचे पार्वती जी का मंदिर है, तो मंदिर के चारों तरफ नज़ारा भी बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, और दिखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बट मैं यहाँ ज़्यादा आ नहीं पाती क्योंकि और घर के पास है तो गांव के ही सब लोग आते जाते रहते हैं, तो इसलिए नहीं आ पाती ज़्यादा। लेकिन जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का ये मंदिर। और पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था, तीज वाले वीडियो में भी यहीं पे आई थी पूजा करने। वैसे तो कई मंदिर हैं शंकर भगवान का, बट यहीं पे आ जाती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मंदिर। और बस नीचे जा रहे थे, देखिए नीचे पार्वती जी का मंदिर है, और यहाँ पूजा हो गया, पार्वती जी के मंदिर में मैं आ गई हूँ, और बहुत अच्छा मंदिर है। सामने एकदम ठीक शंकर भगवान के मंदिर के जस्ट सामने मंदिर है पार्वती जी का। और जैसा कि मैंने बताया कि दुबे जी वीडियो बना रहे थे तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हिला भी रहे थे, तो इसे आप लोग माइंड मत करिएगा। और मैं अंदर पहुंच गई हूँ पूजा करने के लिए, जैसा कि आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं माता रानी के, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। देखिए चारों तरफ मंदिर के, मैंने सोचा कि एडिट करके इसे कट कर दूंगी, बट मैंने नहीं कट किया क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। चारों तरफ खेत है, हरियाली है, इसलिए कट नहीं किया था। और प्लीज़ जो भी वीडियो मेरी देखे, फुल वीडियो देखे, जिससे कि कुछ सपोर्ट मुझे भी मिल जाए। इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, बट जब आप लोग फुल वीडियो नहीं देखते तो अच्छा नहीं लगता। और बस पूजा करके हम लोग आ चुके हैं, ऊपर शंकर भगवान का मंदिर है जैसा कि मैंने बताया, और नीचे पार्वती जी का मंदिर है, और बस अब बाहर आ चुकी हूँ मैं, और फिर चले हैं घर पे हम लोग। और मंदिर में भी दर्शन करा दिया आप लोगों को भी, खुद भी कर लिया, और पूजा पाठ हो गया, अब पेट पूजा बाकी है, तो इसलिए घर चलना होगा क्योंकि यहाँ आने में और थोड़ा सा लेट हो गया था। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद मेरा आज रजिस्ट्रेशन हुआ था, मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन किया गया था। देखिए मैं अंदर खड़ी हूँ, और टीका लगवाना था, उतना दिन तो टीका नहीं लगवा पाई क्योंकि दवा बहुत खाना था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। लेकिन दवा तो अभी भी चल रहा है, लेकिन बीच में 2 दिन का गैप करके टीका लगवा ले रही हूँ, दवा 2 दिन नहीं खाऊंगी, तो मैं बहुत डर रही थी टीका लगवाने में। तन को डरना है, हम लगा रहे हैं ना, तन को डरना है, चलो।
पता नहीं चले कब लगा है। बस लग गया मन को डर था तो टीका लगवाने के बाद घर पे आ गई थी मैं। फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं मेरी दवा चल रही थी मुझे क्या होगा टीका लगवाने से। थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि इतने दिनों से बीमार थी मैं इसकी वजह से। और इधर कढ़ाई रख दिया है, घी डाला था देसी घी और जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च और मूँगफली के दाने भून लिए थे उसमें। चावल मिक्स कर दिया क्योंकि सुबह का चावल थोड़ा सा बच गया था। शाम का वीडियो है, शाम के 5 बजे होंगे लगभग, 10-5 मिनट कम है 5 बजने में, तो वहीं चावल थोड़ा सा फ्राई कर रही थी। बस ज़्यादा कुछ नहीं डालती चावल में, वहीं जीरा घी और नमक थोड़ा सा लाल मिर्च बस मूंगफली। और हम लोगों को बहुत पसंद है ऐसे, वैसे तो कभी मन होता है तो प्याज टमाटर डाल के भी भून लेते हैं। और रेडी हो गया है मेरा चावल, जैसा कि अभी ठीक ठाक हूँ मैं, मुझे कुछ हुआ नहीं। ये शाम को एडिट कर रही थी तब का वीडियो है जब वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी। अभी तक तो ठीक हूँ, बस हाथ पैर में दर्द है थोड़ा सा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज सुबह मैं मंदिर गई थी और शाम में दोपहर में ही गई थी टीका लगवाने 12 बजे से 1 बजे तक। शाम में सॉरी भूल गई, शाम हो गया अभी, 5 बज गए हैं और चावल मेरा भून चुका है। अब हम लोग खाने जा रहे हैं। सोचा कि इस वीडियो का यहीं पे एंड कर दूं और बाय बोल दूं आप लोगों से। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी सावन। आज सावन का पहला सोमवार था, जैसा कि मैंने दर्शन भी करा दिया आप लोगों को भोलेनाथ का। बाय गाइस, टेक केयर।